क्वेश्चन नंबर 16, सब्ट्रैक्ट 26.32 फ्रॉम 100, ओके सो 16 विल बी फ्रॉम 100, तो मतलब 100 पहले लिखोगे आप, ओके और बाद में 26.32, तो वो तो हमें पता ही है कि ऐसे लिखना है 26, ये पॉइंट यहाँ पे और यहाँ पे, और बाद में ये 32, ये लिखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, तब भी जाके आप अच्छे से कर पाओगे एडिशन सब्ट्रैक्शन। चलिए नाउ यहाँ पे 10, ये 9, ये 9, ये 9 और ये 0, सो 9 माइनस 2 इज 7, 9 माइनस 6 माइनस करना है, 9 माइनस 6 इज 3, डेसिमल एज इट इज 6 एंड 8, सो 73.68 इज योर आंसर, ओके नाउ 17 सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, सो 1.006 माइनस 0.67, ठीक है, इस तरह से, सो ये तो 6 का 6 ही आ जाएगा, 10, ये 9 और ये आ जाएगा 0, तो यहाँ पे 0, डेसिमल 3, सो 0.336, ओके नाउ 18 है सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम 9, ओके 9 बाद में है 1, इसके बाद डेसिमल 8908, यहाँ सब जगह पे क्या लिख दोगे आप, 00, अगर ये लिखना आ गया ना तो डेसिमल में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, ये 10, ये 9, ये 9, ये 9 और ये हो जाएगा 8, सो 8 माइनस 1 इज़ व्हाट 7, डेसिमल 109 एंड 2, सो 7.1092 इज़ योर, ओके सो ये 13, यहाँ पे भी 9, यहाँ पे आ जाएगा 4, सो इट विल बी 2.409, अब ये जो आया 21.409, उसमें से माइनस क्या करना है, 9.908, ठीक है, तो 9 माइनस 8 इज़ 1, 0 माइनस 0 इज़ 0, ये क्या हो जाएगा 14, इसके बाद ये 0 और उसका 10 और ये हो जाएगा 1, सो ये होगा 1, 10 माइनस 1 9, ये और 14 माइनस 9 इज़ 5, ठीक है, तो क्या आया आंसर मेरा आया 11.501 प्लस करना है 25.45, तो 159.63, ठीक है, अब है जो आंसर आया वो 36.951 माइनस 6.405, ठीक है, तो ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 4, सो यहाँ पे 6 माइनस 6 इज 0, माइनस 5 4 और 6, सो आंसर विल बी योर 30.546, ओके शांति से आराम से करोगे तो हो जाएगा। शुड बी एडेड टू दिस टू गेट दिस, मतलब कि वॉट शुड बी एडेड, मतलब x प्लस शुड बी एडेड टू दिस टू गेट 73.1, मतलब कि कौन सा नंबर, ये क्या हो जाएगा 73.1 माइनस 55.977, देखो मुझे तो है ना ये लैंग्वेज ही समझ में आती है, ठीक है, ताकि कोई मिस्टेक ही ना होए,
ओके, अगर आप ऐसे समझोगे ना कि अगर ऐसा सम हो, व्हाट शुड बी एडेड हो तो ये करने का, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड हो तो ये करने का, वो गलत तरीका है। ठीक है, वो शायद आपको 7th स्टैंडर्ड में काम में लगेगा, 8th स्टैंडर्ड में काम में नहीं लगेगा, हायर स्टैंडर्ड्स में काम में नहीं लगेगा वो। ठीक है, तो ऐसे ही करो, वो ज़्यादा अच्छा है, टू अवॉइड एरर्स। ठीक है, एरर नहीं होगी, मिस्टेक्स नहीं होगी। 55.977, और ये यहाँ पे 0 0 लग जाएगा। एक चीज़ याद रखो, डेसिमल्स में क्या होता है पता है, कि डेसिमल पॉइंट के बाद आप 0 रखोगे ना, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। वैल्यू नहीं है मतलब क्या, कि वो क्वेश्चन को चेंज नहीं करेगा। ठीक है, तो मतलब हम मैंने क्यों यहाँ पे ये 1 का 100 कर दिया, आप सोचोगे मैम 1 था 1 का आपने 100 कर दिया, लेकिन कोई मतलब ही नहीं है। देखिए क्यों मतलब नहीं है, मैं आपको समझाती हूँ। ये थोड़ा सा वो है, आउट ऑफ बॉक्स है, लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर ये है, अगर मुझे इसको डेसिमल से निकालना है तो मुझे 731 ही मिलेगा। कैसे, देखिए ये मैंने निकाल दिया, डिवाइड बाय 100 कर दिया, ये 0 0 कैंसिल हो गया ये। ठीक है, मतलब कि ये डेसिमल के बाद आप कितने भी 0 लिखो, कितने भी नंबर के बाद 0 लिखो, उसका कोई क्वेश्चन में फर्क नहीं पड़ता है, चेंज नहीं होता है क्वेश्चन। ठीक है, ये 10, ये 9, ये 0, अगेन 10। ठीक है, और ये 2, ये हो जाएगा 2, ये 2 का 12, और ये हो जाएगा 6। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, ये 1 हो जाएगा, 12 माइनस 5 क्या होगा, 7 पॉइंट, ये 1 2 3, मतलब कि ये नंबर अगर आप ऐड करोगे 55.977 के साथ, तो आपको 73.1 मिलेगा। ओके, नाउ 21। वरुण्स फादर गेव हिम 100 रुपीज, ही स्पेंट दिस मनी। मतलब कि देखो, वरुण के पास कितने पैसे, वरुण हैड मनी कितना, 100 रुपीज़। ठीक है, ही स्पेंट दिस आउट ऑफ टू रिसीव फ्रॉम हिज फादर, मतलब कि स्पेंट, ही स्पेंट हाउ मैनी, 28.05। ओके, ही हैज़ टू बाय अ बुक फॉर 125 रुपीज़, बुक कॉस्ट इज 125 रुपीज़। हाउ मच मोर मनी डज ही नीड टू गेट फ्रॉम हिज फादर। समझ में आया, मतलब कि वरुण के फादर ने उसको कितने दिए, 100 दिए। ही स्पेंड दिस आउट ऑफ द मनी ही रिसीव फ्रॉम हिज फादर, मतलब इसमें से इतना उसने स्पेंड कर दिया। ही हैज टू बाय अ बुक फॉर ₹125। ठीक है, तो हाउ मच मोर मनी डज ही नीड टू गेट फ्रॉम हिज फादर, मतलब और उसको क्या चाहिए, 125 रुपीज चाहिए, तो उसको और कितना। तो सबसे पहले तो ये 100 है, 100 माइनस 28.05 करो, तो ये 10, ये 9, ये 9, ये 9, और ये 0, तो बचे कितने, 7, उसके बाद 1.95। मतलब वरुण के पास कितने हैं मनी लेफ्ट विथ, मनी लेफ्ट विथ वरुण इज व्हाट, 71.95। ठीक है, अब उसको जो बुक लेनी है वो कितने की है, बुक कॉस्ट इज 125, तो अब उसको कितना लेना है अपने पापा के पास से, तो क्या करोगे आप, यस 125 माइनस 71.95। ठीक है, तो इस इतने मनी उसको अपने पापा के पास से लेने पड़ेंगे, 4, ये 12, और ये 0, 53.05, उसको इतने पैसे लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो स्टेटमेंट में क्या होगा, वरुण
needs 53.05 rupees from his father. Okay, chalo. Now 22nd, Ajay travels by bus is what? 25.25. ठीक है, बाय स्कूटर ही ट्रेवल्स 12.045 किलोमीटर एंड सम डिस्टेंस ऑन फुट. फुट से उसने कितना ट्रैवल किया पता नहीं. डज ही वॉक इफ ही ट्रेवल्स 45 किलोमीटर इन ऑल. टोटल कितना है? इज 45 किलोमीटर्स. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? हाउ मच डिस्टेंस डज ही वॉक इफ ही ट्रेवल्स 45 किलोमीटर्स टू, मतलब 45 माइनस 25.25 माइनस 12.05. ठीक है, मतलब बस से गया, स्कूटर से गया, बाकी बचा जो वो वॉक से गया. ओके, तो चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 45 माइनस 25.25. ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये 10, ये 9, ये 4, उसका 14 एंड ये 3. सो 1.14 माइनस 5, 14 माइनस 5 इज 9.9 माइनस 2 इज 7 एंड 5. ठीक है, बाद में 19.75 माइनस 12.045, यहाँ पे 0, तो ये 10, ये 4, तो ये 0, 7.705 किलोमीटर्स. ठीक है, सो वरुण walks 7.705 किलोमीटर्स. सो बच्चों यहाँ पे आपकी ये एक्सरसाइज खत्म हो रही है. नेक्स्ट लेक्चर में हम 2E एक्सरसाइज लेंगे, जहाँ पे होगा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो. ठीक है, अगर आपको ये चैनल हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए. थैंक यू.